हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत। तो भाई आज हमारे पास है केटीएम की तरफ से एडवेंचर X390, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है भाई 2023 का न्यूली लॉन्च E20 पेट्रोल के साथ, जो यहाँ पे दिखा दो भाई, टैंक पे दिखा दो भाई, E20 पेट्रोल के साथ, मतलब लेटेस्ट एडिशन में आप लोग को दिखा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, बात करेंगे इसकी प्राइस क्या है। अगर आप एडवेंचर बाइक लेना चाहते हैं भाई, ये आपके सामने फेस है, आप लोग को दिखाऊंगा काफी सारी चीजें। यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसका भाई फ्रंट लुक। फ्रंट लुक की बात करो भाई, ये आप देखो डीआईएल काफी वाइड डीआईएल देखने को मिल जाएगा, काफी इस तरीके। बाकी एक बार लाइट जला देता हूँ भाई, ये देखो कैमरामैन हिल जाएगा। बाकी आप देखोगे यहाँ पे विजिबल विंडशील्ड मिल जाएंगे कुछ इस तरीके बड़ी सी, और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक और मैट ब्लैक, यहाँ पे केटीएम का मिल जाएगा लोगों का मतलब छपा हुआ नाम लगाया जाएगा। बाकी अपना नंबर प्लेट आपको यहाँ पे लगेगा। इंडिकेटर की बात करोगे तो आपको एक बार 1000 इंडिकेटर मिलना चाहिए, शायद 1000 नहीं मिलेगा भाई इसमें आपको, ये सिंगल आपको 1000 नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर मिलते हैं, जहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे, ये अपना हार्ड मिलेगा भाई, ये हार्ड इंडिकेटर मिलेगा कुछ इस तरीके से। बात करते हैं यहाँ पे टायर मड क्लिप की, तो टायर मड क्लिप की बात करोगे ये अपना ग्लॉस मैट ब्लैक आपको टायर मड क्लिप मिल जाएगा, और इसकी आप देखो काफी वाइड आपको देखने मिल जाएगा। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ आप एपेक्स WP एपेक्स का सस्पेंशन मिल जाएगा, जहाँ पे बात करोगे तो 43mm के आपको सस्पेंशन मिल जाएंगे अगर आप सस्पेंशन की बात करते हैं। बाकी 390 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्टिकर, और ये आपको मिलेगा 320mm का डिस्क, आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिलेगा फ्रंट और रियर दोनों में। बाकी वाइबर का कैलिपर मिल जाएगा यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस तरीके से। और टायर की बात करते हैं एक बार, MRF का टायर मिल जाएंगे ट्यूबलेस। और टायर साइज की बात करते हैं 19 इंच के व्हील मिल जाएंगे कुछ इस तरीके। बाकी व्हील की डिजाइन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं बताऊं ये आपको लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आता है, तो एक बार रेडिएटर दिखा दो भाई, इससे लग जाए कि भाई सभी को क्या मिलने वाला है लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ। इसमें आपको कूलेंट के साथ आपको मिलेगा, तो वो आप देखना पड़ेगा। अगर मैं दिखाऊं ये देख सकते कूलेंट भाई, यहाँ पे कूलेंट भी मिलेगा, यहाँ से आप फिलअप करोगे तो गाड़ी आपको ठंडी रहेगी। बाकी इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक बार मैं इसका हॉर्न सुनाता हूँ भाई, तो हॉर्न काफी तगड़ा है यहाँ पे आप देख पाओगे। बाकी ये अपना टैंक की बात करोगे तो टैंक पे आप दिखाओ KTM देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे काफी ये देख सकते हो काफी शानदार KTM का। बाकी एडवेंचर या C90 मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से इसका वाइड किया गया, और यहाँ पे आपको मैट फिक्स दी गई है। जहाँ पे टैंक की बात करोगे तो इसमें भाई आपको मिलता है 14.5 लीटर का टैंक। माइलेज की बात करोगे तो इसमें आपको वही 30-35 का माइलेज मिल जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 12 बोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा यहाँ पे, तो अपने हिसाब से जो भी है कर सकते हैं। और नीचे बात करें इंजन की, इंजन क्रेस गार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी इंजन की बात करो, रेसिंग KTM दिखा हुआ मिल जाएगा। बात करते हैं इंजन की पावर की, पावर की बात करो 49.9 BHP का पावर मिल जाएगा 9000 RPM पे। टॉर्क की बात करोगे तो 37 Nm का टॉर्क मिल जाएगा 7000 RPM पे। और स्ट्रोक की बात करोगे, बोर की बात करोगे तो बोर की बात करो 89mm का बोर मिल जाएगा। स्ट्रोक की बात करोगे 60mm का स्ट्रोक मिल जाएगा। और इंजन पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जहां पे आप देखोगे ये आप लोग को मिलेगा फुल्ली, मतलब कहीं पे भी आप लेके जा रहे हो अगर लड़बड़ जाता है काफी। हालांकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 200mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, मान लेते कभी लड़ जाती है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंजन को काफी अच्छी सी चीज दी गई। इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया, तो अच्छी चीज है। बाकी ये अपना फुटेज देख सकते हो कुछ इस तरीके से। बाकी ये अपना साइड स्टैंड इंजन कटआउट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको लिखेगा एडवेंचर, ये देख सकते हो। बाकी ये रगड़ फील दिया गया भाई कुछ इस तरीके से, और ये आप देख सकते हो लेडी साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया। और यहाँ पे मैं दिखाऊं चैन पे भाई, तो चैन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया। उससे पहले मैं दिखाऊं इसका यहाँ पे दिखाओ रियर कटर, 130, 80, 17 इंच के व्हील मिल जाएंगे। 20 आपको ABS यहाँ पे दिखा दो भाई, ABS के साथ यहाँ पे डुअल चैनल तो मैंने बताया दिया पहले ही आपको मिल रहा है यहाँ पे। बाकी टायर की बात करोगे, टायर ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से, मतलब ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और यहाँ से मैं बात करूँ पीछे से, पीछे बात करोगे तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ इसकी लाइट की, तो एक बार ये इस तरीके से इसका टेल लाइट मिलेगा, जो कि काफी स्मार्ट लग रहा है, लाइट काफी शानदार। और यहाँ पे अपना नंबर प्लेट लग जाएगा, ये अपना रिफ्लेक्टर पीछे का। बाकी टायर मड क्लिप यहाँ पे इंडिकेटर तो ये मिलेगा, बाकी स्प्लिट ग्रेवियल मिलेगा जो कि ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सीट कंफर्ट की बात करें तो 855mm इसका सीट कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दिखा दो भाई, ये सीट दिखाओ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सीट कुशन ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे 2 बंदे ही बैठ पाएंगे भाई, 3 बंदे की कोशिश मत करना,
तो दो ही बंदे बैठ पाएंगे, और ये सारी चीजें मैंने बता दिया। अब रह रहा कि भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग को थोड़ा सा झलक दिखा दिया जाए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाओगे थोड़ा सा वहाँ पे भाई, फोकस कर दो, ऑटोमेटिक कर लेगा अभी। ये अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करोगे, एक मिनट, 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट तो यहाँ मिल जाएंगे। एक बार ऑन करता हूँ, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप RPM, स्पीड, फ्यूल और सारी गियर का, किलोमीटर, ओडोमीटर सेट कर सकते हैं, ABS, RPM सबकी लाइट मिल जाएगी। बाकी हर जगह पे मैं दिखाऊं, यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई दिखेगी, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं रहेगी तब भी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं भाई इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा भाई। 3,37,836 इसका ऑन रोड प्राइस है। और भाई शोरूम की बात करते हैं, ये है KTM चौक लखनऊ उत्तर प्रदेश, हरदोई वाले रोड पे मिल जाएगा। तो अगर आप KTM का कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी बाइक पसंद आती है तो यहाँ से आके ले सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी बाइकें अवेलेबल हैं। बात करते हैं इसकी हाइट की भाई, हाइट की बात करो, सीट हाइट की 855 mm मैंने बता दिया। लेंथ की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 2154 mm इसकी लेंथ मिल जाएगी। बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की, तो 180 km/h इसका टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। तो वो चीजें, सारी चीजें मैंने बता दिया। तो ये था आज के लिए भाई KTM का एडवेंचर EX390। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर देना इस तरह कंटेंट देखने के लिए। बाकी एक बार शोरूम दिखा दो भाई थोड़ा सा, हर तरह की बाइकें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट है लेना चाहते हो तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, बाकी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।